पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते आप कैसे रोकेंगे, लेकिन पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकिए। ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, राजनीतिक ब्लेम गेम को भी रोका जाना चाहिए। और ये भी कहा कि सभी राज्य तत्काल कदम उठाएं और पराली जलाने पर रोक लगाएं, लोकल SHOs के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण लोगों की हत्या के समान है, आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पराली जलाया जाना प्रदूषण की मुख्य वजह है, दूसरा वाहनों की वजह से होने वाला प्रदूषण है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैक्सियों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली क्या कदम उठा रहा है। दरअसल पंजाब सरकार के वकील ने कहा था कि पंजाब में 40% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है और राज्य सरकार इसको लेकर लगातार कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि जिला प्रशासन को सक्रिय करिए और तत्काल रोक लगाइए। पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छोटे और मझोले किसानों को इसके लिए हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम पराली प्रबंधन की मशीनों पर 50% तक की छूट दे रहे हैं। पंजाब ने कहा कि MSP पर केंद्र को बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए, अन्य फसलों पर MSP मुहैया कराई जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जिसे समाधान निकले, प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको उन्हें वैकल्पिक फसल की ओर स्थानांतरित करने में मदद करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल समाधान होना चाहिए, इस मामले में हमारा 0 patience है। जस्टिस SK कौल ने ये भी कहा कि प्रदूषण पर राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती, केंद्र और राज्य में कौन सत्ता में है इसके आधार पर लोगों पर बोझ पड़ता है। आप देख रही हैं कि छोटे बच्चे किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थितियां सुधरनी चाहिए, अन्यथा हमें सख्त कदम उठाना होगा, हर एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक बसें खाली चलती हैं और चलती रहती है। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर हल्के अंदाज में कहूँ तो आप जानते हैं कि अगर मैं सख्त होऊंगा तो रुकूंगा नहीं।